और अब बात छिंदवाड़ा की करेंगे, जहां अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के लिए मैदान में 9 प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। इस बीच उपचुनाव में वोटिंग के दौरान एक स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा भी हो गया। बताया जा रहा है कि मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने आंचलकुंड मतदान केंद्र के बूथ में वोट डाला। अब तक करीब 17% वोटिंग हो चुकी है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और ये तस्वीर आप देखिए, धीरन शाह पहुंचे, उन्होंने वोट डाला, परिवार के साथ वो पहुंचे वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी कैंडिडेट पहुंचे और उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है और वोटिंग शाम 6 बजे तक इसी तरह जारी रहेगी। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 17% मतदान हुआ है, क्या ठीक है ये रफ्तार या अभी और भी ज्यादा तेज होने की गुंजाइश है? मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं, मतदान के लिए कतार लगी हुई है, मतदाता यहाँ मौजूद हैं, कतारें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो महिलाओं का परसेंटेज है वो थोड़ा कम जा रहा है। हम अगर प्रतिशत में नज़र डालें आंकड़ों पर, तो 4-5% जो है महिलाओं की संख्या कम रही है। लेकिन आकलन ये है राजनीतिक दलों का कि जैसे जैसे समय बीतेगा निकलेगी महिलाएं। लेकिन अभी बारिश होने लगी है, बारिश की वजह से मतदान थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। हमारे साथ ये मतदान के लिए आए हैं, निशक्त हैं, ये व्हील चेयर पे आए हुए हैं, काफी उत्साहित है, इन्होंने मतदान किया है। आपने मतदान किया है, कैसा लगा? जी सर, अच्छा ये बताइए कि ये मतदान जरूरी समझा आप? बिल्कुल जरूरी था भाई, उसी से तो सब चलता है। अपन मतदान नहीं करेंगे तो वहाँ वो लोग कैसे पहुँच पाएंगे? तो ये और लोगों को प्रेरित कर रहा है, बारिश हो रही है। जी साहब, मैं तो विकलांग हूँ तो निकल जा ही नहीं सकता, कहीं किसी को बताना। ये आपने देखा कि निशक्त भी आ रहे हैं, उत्साह बरकरार है यहाँ पर, जो है यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस मतदान केंद्र में हम यहाँ मौजूद हैं वो हर्रई क्षेत्र में है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कमलेश शाह का निवास स्थान है, जस्ट बाजू में इनके जो है वो उनका महल है, इसके ठीक बाजू में ये मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी, अभी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। जी ठीक है, अभी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है लेंगे। पिछले बार अगर बात करें विधानसभा चुनाव को याद करें, जब 2023 में यहाँ पर वोट डाले जा रहे थे, राजेश, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी मतदान केंद्र पर, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस बार अगर महिलाओं की संख्या कम है तो फिर क्या लगता है कि वोट परसेंटेज कम रहेगा? इसका असर तो होगा ही वोट परसेंटेज पर ऑल ओवर। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं लगातार सिंगोड़ी से लेकर के हरवई तक, जो अमरवाड़ा का आखिरी इलाका है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम नजर आ रही है। सिंगोड़ी में भी महिलाओं की संख्या कम दिखी है। इस वजह से ये आकलन जरूर लगाया जा रहा है कि महिला अगर कम निकलेंगी तो निश्चित तौर पे परसेंट कम होगा, प्रतिशत चुनाव का वोटिंग का परसेंटेज गिरेगा। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रतिशत रहा है मतदान का, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, खासतौर पर महिलाएँ बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकली है। इस बार के हालात बता रहे हैं, अभी देखिए बारिश भी तेज है, बारिश का दौर शुरू हो गया, तेज है, इस वजह से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के चलते मतदान प्रभावित होगा निश्चित तौर। जी ठीक है राजेश, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।